क्योंकि आप काफी सारे केसेस भी आज की डेट में सुन रहे होगे जिसमें यार लोगों को आपने देखा होगा कि डेथ हो रही है ट्रांसप्लांट के बाद, कई लोगों को इन्फेक्शन हो रहे हैं जिसकी वजह से भाई लाइफ मिजरेबल हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों की नॉलेज होना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्लिनिक को, एंड जहाँ पे आपके अच्छे डॉक्टर्स होंगे वहाँ पे अगर आप कराते हैं तो वहाँ पे आपको ये जो इश्यू है नहीं आता, क्योंकि उनको इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होती है। सपोज़ आप ट्रांसप्लांट भी करा रहे हैं, आपने कहीं से कराया और कहीं आपको कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि कोई कंडीशन जो है वो क्रिटिकल हो जाती है, कुछ कंडीशन ख़राब होने लग जाती है, तो अगर डॉक्टर वहाँ पे होगा तो वो आपको संभाल लेगा क्योंकि उसको उस चीज़ के बारे में प्रॉपरली नॉलेज होगी। बट अगर आप कंपाउंडर्स से, आप टेक्नीशियन से ये काम करा रहे हैं सस्ते के चक्कर में, 5 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये में आप ग्राफ्टिंग करवा रहे हैं, और अगर वहाँ पे डॉक्टर नहीं है देन फिर तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो लोग मुझे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस ये पूछते हैं कि भैया आपने हेयर फ्री हेयर ग्रो ही क्यों चुना। हेयर फ्री हेयर ग्रो मैंने इसलिए चुना क्योंकि सबसे मेन चीज़ आपकी जो वहाँ पे सर्जरी है वो डॉक्टर्स करते हैं, ठीक है। सर्जरी का टाइम बहुत ज़्यादा लंबा होता है, 8 घंटे 9 घंटे की सर्जरी होती है, मेरी तो 2 दिन की सर्जरी थी तो 9-9 घंटे दोनों टाइम हुआ, तो सारा टाइम डॉक्टर नहीं जो प्रॉपर सर्जरी है वो कर सकते, बट दे कीप ऑन चेंजिंग एंड मतलब एक डॉक्टर आता है फिर दूसरा डॉक्टर आता है, क्योंकि जो मेन पार्ट होता है दैट इज़ द स्लिटिंग, कि आपका किस तरीके से स्लिट्स बना रहे हैं। क्योंकि अगर आपने ट्रांसप्लांट में बाल लगवाए और बाल अगर आपके गैपिंग के ऊपर लगे, स्लिटिंग पास पास ना हुई, जो कि मैं सही मायने में बोलूं डॉक्टर को उसी चीज़ का प्रॉपरली नॉलेज जो है दी जाती है, वो उसी चीज़ में एक्सपर्टीज करते हैं, तो अगर आपकी प्रॉपर स्लिटिंग नहीं हो रही है दैट मीन्स आपके बालों में गैप आना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो गंजापन है वो भी सबसे मेन मैटर करेगा कि वो दिखना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़ वो बहुत अननेचुरल फील देता है। आप जैसे मेरे बाल यहाँ पे बहुत ही सही तरीके से स्लिटिंग करके रखे गए हैं एंड आप यहाँ पे देखेंगे आपको दिखेगा कि बाल प्रॉपरली एक पूरा कवरिंग हो रखी है यहाँ पे। सो स्लिटिंग प्रॉपरली होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो है वो भी प्रॉपरली डॉक्टर के साथ ही करा जाता है।